बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ये कोरी बकवास है। तू कोई यूनिक पर्सनैलिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात में पढ़ाई करो, दिन भर गांव वालों का चिक चिक, रात को लाइट का चिक चिक। पांच साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो कोसोगे। अगर इतना ही पढ़ना था तो डॉक्टर ही बन जाते। शर्मा जी के बेटे होके ऐसे निकले। बेटा तुम कब घबराना शुरू करोगे? अंग्रेजी भी है, मैथ भी है, एक बार देख तो लो। किताबें देखी है मेरी? किताबें देखो तो सही ना एक बार। ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दूं? मैं नहीं कर सकता ये सब। चार साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया। अब कहने के लिए तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्सअप डो ऐसे बात नहीं करते हैं। क्या वगैरह तेरा लंडा आज कर रहे हैं, ऐसे गले मिलते। किसी तरह रट्टा मार मार के टेंथ तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। सब ये कहते माँ बाप टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था, और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी, भाग बहन तुमको क्या करना है। इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह, मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। आई डिड नॉट चूज दिस इंजीनियरिंग लाइफ सर, एंड नीदर डिड दिस इंजीनियरिंग लाइफ चूज मी। इट वॉज शव्ड डाउन माई थ्रोट बाई माई टीचर्स वाइल माई हैंड्स वर टाइड टू माई बैक बाई माई फ्रेंड्स एंड माई पेरेंट्स वॉच्ड इन साइलेंस। तू नालायक निकली, फेलियर है तू, फेलियर। अलग अलग इंग्लिश छोड़ के, लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैनॉट स्पीक इंग्लिश सर, वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। इफ द करिकुलम वाज अ लिटिल बिट डिवर्स, इफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन आवर कंट्री फोकस्ड ऑन आवर ऑलराउंड डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ फंक्शनिंग लाइक अ गॉडडैम फैक्ट्री दैट इज जस्ट मास प्रोड्यूसिंग रोबोट्स बाय किलिंग देयर ड्रीम्स एंड हैंडिंग आउट डिग्रीज, आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर इन दिस पॉइंटलेस HR इंटरव्यू द लाइक्स ऑफ व्हिच एग्जिस्ट ओनली इन आवर कंट्री। क्योंकि इस कॉलेज को चाहिए 75% अटेंडेंस। अभी मैं इतना पहला गया, मैं सोच रहा हूँ हिमालय चले जाऊँ, इंजीनियरिंग छोड़ दूँ, संन्यास ले लूँ, टिकटॉक डाउनलोड करूँ, मुद्रा करके चार वीडियो बनाऊँ, कम से कम वायरल होगा, पैसे तो कमाऊंगा मैं। एक के लिए तुम पे कितने सारे मॉडल, पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल, जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओ ये तो गलत है, चलो मान हो गए एक बार। फिर पढ़ेंगे फंक्शन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाई क्यों जा रहे हो, बना लो ना पहले, बैठो बना लो। नहीं नहीं नहीं, तो पढ़ाई ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं, ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर है, कोई खास वजह? डर से, बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था, माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा, मैं डरने लगा, फर्स्ट नहीं आओगे तो कुछ आनेगा भी नहीं, और डरने लगा। फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेट्स, और अंगूठियाँ पहनने लगा, पूजा करने लगा, पूजा क्या भगवान से भीख मांगी। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है, चाहे बिना कुछ कर नहीं पाता है। समझ सकता हूँ, तू ही नहीं, कोई नहीं समझ। जिस बंदे में बीत रही है ना, वो करता है।